सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप इसको जानते हो कि ये क्या है, ये एक M10 का फास्टनर है। और अगर जैसे कि आप M10 के फास्टनर को जानते हो और ऐसे 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 करते करते बोर हो चुके हो, तो मैंने एक बना रखा है बिल्कुल बेस्ट तरीका, तो आपको दिखाता हूँ। आज का वीडियो रहेगा स्पेशल। मैंने बना रखा है एक गैजेट जो टक्कर देगा 6,000 रुपये की मशीन को। तो ये ऑटो स्क्रू रिंच मशीन कुछ भी कह सकते हो आप इसको, मतलब ये फास्टनर कसने वाला है। मतलब हम बहुत टाइम नहीं लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप एक सरिया ले लो, सरिया को थोड़ा थोड़ा घिस लो। और मेरे पास एक मेरा ये है जो कि मैंने अपनी ड्रिल मशीन से काट दिया है, जो कि ख़राब हो चुका था। एक नीचे मेरे पास पाना भी है जो कि 16 mm का है, जो हमारे M10 के फास्टनर में लगता है। ये देखो, ये प्यारे ढंग से इसमें घुस गया। इसको वेल्डिंग कर दो। वेल्डिंग करने के बाद जितनी आपको सरिया लंबी चाहिए वो आप काट लो। ये सरिया कटने के बाद ये इसमें वेल्डिंग हो जाएगा। अब देखते हैं इसका यूज़। देखो, हमने यहाँ इसको फास्टनर को अंदर डाल दिया था, अब इसको टाइट करेंगे। जो काम हमें 2 से 5 मिनट लगते हैं कसने में, वहाँ देखो कितने सेकंडों में काम फाइनल हो गया। तो लाइक कमेंट शेयर वीडियो को, अगर पसंद आया तो।